नमस्कार दोस्तों, स्वाद बाय प्रागरिक में आपका स्वागत है। आज की रेसिपी है सरसों का साग। अभी यहाँ दुबई में सारे ट्रेडिशनल इंग्रेडिएंट्स नहीं मिलते हैं ऑथेंटिक सरसों का साग बनाने के लिए, सो हम आपके लिए आए हैं दुबई स्टाइल सरसों का साग। जो भी हमारे पास रेसिपीज़ के लिए इंग्रेडिएंट्स रेडी है, जो भी घर में इंग्रेडिएंट्स है, उससे हम ये सरसों का साग बनाएंगे। ये खाने में काफ़ी डिलीशियस बनता है और रेडी टू अवेलेबल इंग्रेडिएंट जो घर पे, उससे सिंपल सा बनता है, खाने के लिए टेस्टी और हेल्दी भी होता है। आप आगे देखिए इसकी रेसिपी कैसी है। बनाने जा रही हूँ बहुत जल्दी बनने वाला सरसों का साग। यहाँ मैंने सरसों काट के ली है, उसमें सरसों है, पालक है, ये मेथी है और ये लहसुन है। ये सब मैं एक सीटी पे लगाऊंगी अब। तो ये है हमारा जो सामान जो उसमें गरम तेल में जाएगा। ये है हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा, गरम मसाला, सूखी लाल मिर्च, टमाटर, अनियन, गार्लिक, लहसुन, जिंजर। ये जिंजर को मैं ग्रेट करूंगी, इसको भी ग्रेट करूंगी। और वो हम गरम सरसों देख रहे हैं, जो सरसों था और मेथी था और पालक और ये जो गार्लिक था, ये अच्छी तरह से पक गया है। क्वांटिटी एकदम रिड्यूस हो गया, काफ़ी भरा हुआ था पहले, अब ये काफ़ी रिड्यूस हो गया है। तो इसको मैं मिक्सी में एक स्पिन पे चलाऊंगी, बस दरदरा रखना है हमें, पतला नहीं करना है पेस्ट। एक पैन में मैंने सरसों का तेल लिया है, उसको अच्छी तरह से गर्म करना है, उसमें फिर हमारे मसाले हम देंगे। अभी इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है, ये उसका कंसिस्टेंसी रहना चाहिए। आप देखिए इधर ऐसे दरदरा सा, पतला ज़्यादा नहीं है ये। अभी आप देख सकते हैं हमारा तेल काफ़ी गर्म हुआ है और उसमें से धुआं भी निकल रहा है। तो हम हमारे मसाले इसमें डालना शुरू करते हैं। ज़ीरा, फिर प्याज, इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। जैसे ही प्याज अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए, तो हम उसमें डालेंगे ये जिंजर अदरक जो हमने ग्रेट कर लिया है। प्याज और बाकी जो मसाले थे अच्छी तरह से भून गए हैं, तो इसमें हम देंगे हमारे सूखे मसाले। हल्दी, चिली पाउडर, धनिया पाउडर, इसको एक मिनट के लिए थोड़ा सा चला देंगे कि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अभी ये जले नहीं मसाले, इसलिए हम टमाटर डाल देंगे उसी समय कि हमारे मसाले जले नहीं। अभी टमाटर पकने तक हम इसे चलाएंगे। हमारे टमाटर जल्दी गले, इसलिए हम स्वादानुसार इसमें नमक देंगे। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे टमाटर काफ़ी हद तक गल चुके हैं और तेल छोड़ना भी शुरू किया है मसालों ने। अब इस समय हम डालेंगे हमारा सरसों का मिक्सचर। हमने वो सरसों का जो मिक्सचर है उसमें डाल दिया है, उसी वक्त हम इसमें डालेंगे
जो हमने मूली के टुकड़े काट के रखे हैं वो भी। अभी इसको थोड़ा देर तक अच्छी तरह से पकने देंगे तो सारा मिक्सचर ठीक से पक जाए। अभी इसको ढक के एकदम धीमी आंच पे 10 मिनट के लिए रखना है। पक 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम देखते हैं हमारा साग कब कितने तक पका हुआ है। ये हो गया है, ये कंसिस्टेंसी है उसकी गाढ़ी। इसमें अब मैं मिलाऊंगी थोड़ा सा गुड़ स्वाद के लिए और गरम मसाला। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपका सरसों का साग बहुत पतला हो गया है तो आप उसमें 1 चम्मच या 2 चम्मच मक्के का आटा डाल के उसको इतना इस तरह से गाढ़ा कर सकते हैं। तो हमारा सरसों का साग रेडी है सर्व करने के लिए। इसमें आप अगर हेल्थ कॉन्शियस नहीं हैं तो 2-3 चम्मच देसी शुद्ध घी डाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा दुबई स्टाइल सरसों का साग रेडी टू सर्व। ये आप रोटी के साथ या मक्के की रोटी के साथ या राइस के साथ खा सकते हैं, या अरबिक खबूस के साथ भी खा सकते हैं, इजिप्शियन ब्रेड के साथ खा सकते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी, और आप इसको घर पे ज़रूर एक बार बनाइएगा। थैंक यू।